हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो आज मेरे किचन में एक बहुत ही डिलीशियस सा डिज़र्ट बनने वाला है जो कि लंच के बाद खाया जाएगा। तो यहाँ जो है मैंने बटर लिया हुआ है, इसको मेल्ट कर लेंगे और इसके अलावा मैंने 7 to 8 कैंडी बिस्किट्स के पीस ले लिए। इसके अलावा इसमें एक क्रीम पैक, हाफ क्रीम पैक जो है यूज़ होगा, मिल्क पैक की क्रीम ले लेनी है आपने। इसके अलावा इसमें पक का ये क्रीम चीज़ जाएगी, ये पूरा कंटेनर जाएगा इसमें, इस रेसिपी के लिए यूज़ होगा। अब जो है सबसे पहले जो मैंने बटर लिया उसको ज़रा मेल्ट कर लें क्योंकि हमने मेल्टेड बटर यूज़ करना है। बिस्किट्स को जब ग्राइंड करेंगे तब उसमें ऐड करेंगे। तो इस टाइम पे मैं ये बटर यूज़ कर रही हूँ। 1/3 कप ले लेना आपने, यानी कि हाफ से कप से कम बटर। अब जो है इसको ग्राइंड कर लेंगे, चॉपर में कर लें या ग्राइंडर में कर लें। तो ये कुछ इस तरीके से जो है ग्राइंड होंगे बिस्किट्स और मेल्टेड बटर। तो अब जो है एक फ्लैटन डिश ले लेनी है आपने, उसमें जो है इसको आपने बिछा देना है, एक लेयर सेट कर लेनी है बिस्किट्स की। और इसको जो है इसको अच्छे तरीके से आपने सेट कर लेना है हर तरफ से। और इसके बाद जो है आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है फॉर 10 मिनट्स के लिए, ताकि ये सेट हो जाए अच्छे तरीके से। तो अब जो है मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ 10 मिनट्स के लिए, इतने में ये सेट होता है। तो इसके साथ साथ हम क्रीम चीज़ के बटर की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक कंटेनर ले लिया है क्रीम चीज़ का, इसके बाद जो है हाफ पैक जो है क्रीम का मैं ऐड कर रही हूँ। आप क्रीम चीज़ जो है होममेड भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर अच्छी घर की होममेड क्रीम चीज़ अच्छी बनती है। तो मैं ये लेमन जूस ऐड कर रही हूँ अब इसमें। और अब जो है 1 कप शुगर का चला जाएगा, पाउडर्ड शुगर। तो इसको जो है इसके बाद में इसमें मैं दही डाल रही हूँ, कर्ड 2 टेबल स्पून। अब जो है इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब इसमें मैं ऐड करूंगी वनीला एसेंस 2 ड्रॉप्स। और इसके बाद इसमें 2 टीस्पून जो हैं कॉर्नफ्लावर के ऐड करूंगी। और इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आपने इसमें डाल देना है कंडेंस्ड मिल्क, विच इज़ ऑप्शनल। अगर आपके पास नहीं है तो आप मत यूज़ करें। तो यहाँ कंडेंस मिल्क भी ऐड हो गया। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे 5 मिनट्स के लिए। तो इस कुछ इस टाइप का बैटर रेडी होगा। अब जो है 10 मिनट हो चुके हैं बिस्किट्स की लेयर को फ्रीज़ किए हुए। अब इसके ऊपर ये पूरी बैटर जो है इस लेयर के ऊपर डाल दूँगी और इस बैटर को जो है सेट कर लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने सेट करना है। जैसे ही ये सेट हो जाएगा इसके बाद इसको 30 to 1 आवर के लिए जो है हम फ्रीज़र में फ्रीज होने रख देंगे। इसके अलावा आपने इसके ऊपर गार्निश के लिए स्ट्रॉबेरीज भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ्रीज हुई हुई थी तो मैंने स्लाइस करके इसके ऊपर सेट कर रही हूँ। आप कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर गार्निश के लिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चिल करके जो है ये डिज़र्ट रेडी होती है। बहुत मज़े की बनती है, मुंह में डलते ही ऐसी घुलती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना एंड अपना फीडबैक ज़रूर देना मुझे। तो इसको हम फ्रीज़ कर रहे हैं। अब इसके अलावा मूसा के नाना नानी यानी मेरे मामा बाबा ने एक मन्नत मांगी हुई थी मूसा के लिए, तो उसके लिए यहाँ उन्होंने देख बनवाई है एक। तो उसकी जो है यहाँ पैकेजिंग हो रही है जो हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कुछ पैक्स बनवाए हैं और कुछ शॉपर्स में। तो यहाँ जो है पैकिंग हो चुकी है, अब इसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आज लंच में बनने लगा है मटन कोरमा और मटन पुलाव। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं रेसिपी को मटन कोरमे की। तो 1 kg मटन लिया है,
चार से पाँच मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, टमाटर स्लाइस कर लिए हैं, कुछ हरी मिर्चें हैं, इसके अलावा एक बाउल छोटा जो है वो दही का है मेरे पास, और फ्रेश अदरक लहसुन जो है मैंने यहाँ कूट के रख लिया। और स्पाइसेस वगैरह मैं ये आपको दिखा दूँ, साबित मसाले ये सब जो आम घर के होते हैं, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, कोरमे के लिए जो स्पेशल यूज़ होते हैं, ज़ीरा है, साबित काली मिर्च है, साबित बड़ी मिर्च है, और ये इलायची है, दालचीनी वगैरह। तो रेसिपी को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं ऑयल डाल रही हूँ कुकर में, उसके बाद इसमें प्याज ऐड कर देंगे, और प्याज को जो है आपने ब्राउन कर लेना है, डार्क ब्राउन कर लेना है। तो जैसे ये डार्क ब्राउन होंगे तो इन प्याज को जो है हम एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि मैं जो हूँ कोरमा बना रही हूँ तो उसके लिए इसको हम एंड पे चॉप करके डालेंगे। तो ये प्याज जो हैं ब्राउन किए हुए मैंने सेपरेट प्लेट में निकाल लिए हैं। इसके बाद इसी कुकर में जो है मैं ये जो फ्रेश अदरक लहसुन मैंने कूट के रखा हुआ है ये डाल दूँगी, इसको हल्का सा सॉटे करूँगी, इसके बाद इसमें साथ ही जो है मटन ऐड कर दूँगी। आप इसी रेसिपी से चिकन कोरमा भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी ये बनता है। तो अब जो है इसमें मैं मटन ऐड कर रही हूँ। मटन को भी अच्छे तरीके से भून लेना है, और साथ ही इसमें ये साबित मसाले जो हैं वो मैंने ऐड कर दिए। इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इसके बाद जो है ये जो सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, ब्राउन प्याज, टमाटर और दही, इनको जो है मैं ग्राइंड कर लूँगी अच्छे तरीके से। आप चाहें तो साथ ही इसी में स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो कुकर में जो हमने मटन डाला हुआ है उसके अंदर भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं उस टाइम पे। तो अब प्याज के बाद जो है दही ऐड कर रही हूँ मैं। इसमें दही का ज़्यादा इस्तेमाल होगा और टमाटर ज़रा कम ही डलते हैं कोरमे में। तो अब जो है टमाटर जो स्लाइस करके डाले हुए थे मैंने लिए हुए थे वो डाल रही हूँ, और इसको अब मैं कर दूँगी इसका ढक्कन बंद और इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो एक थिक सा पेस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको मैं रख लेती हूँ साइड पे। अब जो है ये तीनों चारों मसाले जो होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, ये अब मैंने जो मटन की भुनाई कर रही थी उसमें मैंने ये डाल दिए हैं स्पाइसेस और हरी मिर्चें। तो इसको भी भून लेंगे अच्छे तरीके से। जैसे ये भुन जाएगा इसके बाद इसमें जो मैंने ये पेस्ट रेडी किया था ब्राउन प्याज का, दही का और टमाटर का, ये इसमें ऐड कर दूँगी सिंपल। थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देना है क्योंकि ये पेस्ट जो है थोड़ा सा थिक होगा। तो अब जो है इसको इतनी भुनाई करनी है कि इसका अच्छा सा कलर निकल आए। तो यहाँ जो है खाना रेडी हो गया था बस, और बस मैंने हल्का सा पानी ऐड कर दिया था एंड पे भुनाई करके। कुकर चलाया था पहले 12 मिनट के लिए, उसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करके जितना ढीला आपने रखना है कोरमा उतना मैंने रख लिया था। तो ये खाना भी लगा लिया था। तो गाइस मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के घर भी ऐसा होता है कि खाना खाने के कुछ देर बाद जो है चाय जो है वो लाजमी बनती है, सब चाय पीते हैं। तो अभी जो है खाने से फारिग होने के बाद जो है कुछ देर के बाद मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए सबके लिए। तो आप सबको मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन लग रही होगी क्योंकि कल सुबह जो मामा बाबा वापस जा रहे हैं, और थोड़ी सैड सी भी हो रही हूँ मैं, बट आई एम हैप्पी टू क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मामा बाबा आए हैं।
और कुछ दिन रुके भी हैं यहाँ मेरे पास। अल्लाह पाक सबके वालदैन को जो है सेहत और तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें और उनका साया उनके बच्चों पे हमेशा सलामत रखें, और जिनके नहीं हैं उनको सब्र दें और उनके वालदैन को जन्नत में आला मकाम अता करें। और खैर ये बातें तो होती रहेंगी। तो जो स्टार्ट में मैंने चीज़ केक की रेसिपी आपके साथ शेयर की, वो तो लाजमी आप लोगों ने ट्राई करनी है और अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना है। इतना टेस्टी वो चीज़ केक बनता है कि इतना क्रीमी रिच फ्लेवर उसका आपके मुंह में डलते ही इतना क्रीमी रिच सा फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अगर आपको मीठा थोड़ा कम पसंद है तो आप मीठा कम भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कंडेंस्ड मिल्क डला था तो उससे मीठा थोड़ा तेज़ हो सकता है। तो खैर ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपने पसंद किया होगा और इन्जॉय किया होगा। और कल जो है मम्मा पापा जा रहे हैं, उसका क्लिप भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें अगर आप गलती से मेरे चैनल पे आ ही जाते हैं, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। इंशाल्लाह आगे आपको प्री रमज़ान प्रेपरेशन का ब्लॉग भी देखने को मिलेगा, तो स्टे ट्यून्ड और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे हर आने वाली न्यू वीडियो जो है आप तक पहुँच सकेगी। आई होप आप सबके घर भी रमज़ान की प्रेपरेशंस चल रही होंगी, लेकिन मुझे अभी तक टाइम नहीं मिल सका क्योंकि गेस्ट आए हुए थे, मामा बाबा आए हुए थे, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ प्री रमज़ान रेसिपीज़ और ब्लॉग लाजमी शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा चाय बना रही हूँ तो कुछ गपशप भी हो जाएगी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। मेरे रीसेंट ब्लॉग पे आपने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, आई एम सो हैप्पी। इसी तरह अच्छा रिस्पांस देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें लाजमी, एंड बेल आइकन भी लाजमी दबा दिया करें। तो यहाँ जो है मेरी चाय रेडी हो चुकी है, अब जो मैं कप्स में डाल रही हूँ और सर्व करती जाऊँगी साथ साथ। तो अभी जो है सुबह के 7 बज रहे हैं और मामा बाबा जा रहे हैं, और कुछ सैड भी हो रही हूँ मैं थोड़ी सी। खैर काफ़ी दिन फिर भी रुक गए मेरे पास मामा बाबा, और बहुत खुशी हुई उनके आने पे। तो खैर अब वापसी का टाइम है, अब जा रहे हैं। और बारिश के आने से मौसम में काफ़ी थोड़ा चेंज आया है, और इस टाइम आप देखें धुंध कितनी हुई भी है, हालांकि गर्मियां मोस्टली आ चुकी हैं और धुंध भी हुई भी है सुबह के 7 बजे। तो ये था मेरा ब्लॉग, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।